नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको फिर से एक बार कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक, ये देखिए पहले मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है और कार्डबोर्ड पे मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगा लिया है, इसको अच्छा से मैंने स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद ये जो पिक्चर है फ्लावर का, इसको मैंने अच्छा से लगा दिया है। ये जो पिक्चर है ये मैंने लिया है एक पुराना कैलेंडर से। ये देखिए मैं कैसे करके लगा रही हूँ, हाथ को सेंटर से लेके मैं बाहर के साइड में लेके जा रही हूँ ताकि इसको ये जो फेविकॉल लगाया है ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ठीक है, अभी मैं ले रही हूँ कुछ न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर को मैंने पहले फोल्ड कर लिया बीच में से। ठीक है, अभी इसको मुझे काट करना है। आप लोग देखिए मैं कैसे काट करती हूँ। ये देखिए मैंने न्यूज़पेपर को सिर्फ बीच में से एक ही काट लगाया है और साइड में जो भी जॉइन था ये जॉइन को मैंने काट कर दिया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर का जो कॉर्नर है, कॉर्नर में मैंने एक पेंसिल रख लिया है और उसमें मैंने रोल करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आगे करके रोल को लेके आगे लेके जाना है और जहाँ पे इसका पेपर एंड होता है उस जगह पे थोड़ा सा फेविकॉल लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे करके 8 ट्यूब्स बना लिया है पेपर का और ये साइज़ जो है आप लोगों ने देखा मैंने पेंसिल का साइज़ जैसा यूज़ किया है। अगर आप लोगों को छोटा साइज़ चाहिए तो आप लोग वो भी बना सकते हो। ठीक है, अभी मुझे ये ट्यूब्स को ये पिक्चर के ऊपर लगाना है कार्डबोर्ड में। ठीक है, मैं कैसे करके लगाती हूँ देखिए। पहले मैंने फेविकॉल लगा लिया है और उसके बाद उसको धीरे से मैंने रख दिया है। ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, ऐसे करके लगा दिया है और बाकी मैं जो साइड में कार्डबोर्ड का पीस निकाल रहा है अभी मैं उसको काट दूंगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक साइड में लगा के हो गया है 2 ट्यूब्स। ठीक है, अभी मुझे दूसरा साइड में लगाना है, लेकिन उसके पहले मैंने देखिए कैसे करके काट के रखा है ये जो एंड पार्ट है ना, इसको एंड को थोड़ा सा बेंड करके काटना है, इसको स्लाइड करके काटना है। ठीक है, अभी मैंने जो दूसरा काट करके रखा था उसको भी मैंने धीरे से करके लगा दिया है और देखिए इसका जॉइन, इसका कॉर्नर इस टाइप से आना होगा तभी ये अच्छा दिखेगा। ये कॉर्नर जो है ना ये पूरा अच्छे से, ये दो साइड का कॉर्नर इस टाइप से आपको लगाना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा ट्यूब्स लगा के तो हो गया है, लेकिन ट्यूब्स, दो ट्यूब्स का बीच का जो जगह है, गैप है, उसको भी अच्छे से लगाना है और इसमें गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अभी देखिए मैं क्या इसमें ब्लैक कलर करूँगी और इस पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मीडियम, क्योंकि मेरा कलर थोड़ा सा ड्राई हो गया था इसके लिए मैंने मीडियम यूज़ किया है। आप लोग थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरे बॉर्डर में ब्लैक कलर तो कर लिया है, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा और बॉर्डर को हाईलाइट करना था, इसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी गोल्डन कलर। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे ही रखना है, एक वुडन लुक देना है, तो आप लोग ऐसे ब्लैक बॉर्डर भी रख सकते हो और इसके ऊपर थोड़ा सा बर्निश का एक कोट लगा सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा शाइन भी आएगा और साथ में थोड़ा सा एक वुडन लुक देगा। ये मेरा वॉल हैंगिंग का बैक साइड है, इस पर भी मैंने एक पेपर लगा दिया है, ये कैलेंडर का ही पिक्चर था। ठीक है, इसको देखिए, इसको अच्छा से लगा लिया है मैंने। आप लोग कोई भी दूसरा पेपर भी यूज़ कर सकते हो इस पर। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका जो साइड का एरिया है ना, इसको मुझे हाइड करना है, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड निकाल रहा है इस, ये रहने से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ देखिए, मैंने सेलो टेप लिया है, जो बड़ा सा टेप आता है उसको लिया है, मेरे पास यही था तो मैंने यही यूज़ किया है। ठीक है, उसको मैंने जो फ्रेम का जो बॉर्डर है ना उस पर नहीं लगाया है, जो मैंने ट्यूब्स बना के रखा था उस पर नहीं लगाया है, सिर्फ ये देखिए इतने साइड में ही मैंने लगाया है।
आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। देखिए फ्रेंड्स, अभी चारों साइड से ये पूरा फिनिशिंग अच्छा हो रहा है और इसका ये क्लोज भी हो गया अच्छी तरह से। लेकिन ये हम लोगों को अभी क्या करना है, हैंग करके रखने के लिए एक रस्सी लगाना है। इसके लिए मैंने एक जूट का रस्सी ले लिया है और उसको रस्सी को मैंने सेंटर में प्लेस कर लिया है और ग्लूगन की मदद से मैंने रस्सी को लगा लिया है। आप लोगों के पास अगर कोई भी रिंग जैसा कुछ होगा तो वो भी आप लोग अच्छा से लगा सकते हो। अभी देखिए, एक छोटा सा पीस मैंने काट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। इसको ग्लूगन की मदद से ही लगा लिया है। आप लोग फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, अच्छा से ये हैंग हो जाएगा। आप लोगों को ये आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा जरूर एक लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस टाइप का कोई भी आर्ट पीस, ऐसा कोई भी अगर कुछ भी पुराना हो उसको थोड़ा सा एक नया लुक दे के उसका एज अ डेकोरेटिव पीस आप उसको सजा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले बार फिर से मिलूंगी नया क्रिएटिविटी नया क्रिएशन के साथ। लेकिन तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपना जो भी टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड कीजिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, बाय बाय।